हेलो एवरीवन, माय नेम इज त्रिवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में रोज़ बोले जाने वाले बहुत ही अच्छे अच्छे फ्रेजेस, स्ट्रक्चर्स, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। फिर सजेस्ट करूँगा आपको नोटबुक नोटपैड लेकर बैठिए, ताकि कोई भी चीज़ यूज़फुल आपको लगती है आप उसको नोट कर सकते हैं और अपने कन्वर्सेशन में इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, बहुत से लोग जानते हैं कि आप अभी क्या कर रही हैं। ठीक है, जहाँ पे भी ऐसे डॉट डॉट लगा हुआ होगा सेंटेंस का, कि इसका मतलब ये बात पूरी नहीं हुई है, इसके आगे भी और कुछ है। ठीक है, तो अभी यहाँ तक समझते हैं। बहुत से लोग जानते हैं कि आप अभी क्या कर रही हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें दो सेंटेंसेस हैं, बहुत से लोग जानते हैं और दूसरा है आप अभी क्या कर रही हैं। ठीक है, सो पहला जो सेंटेंस है, बहुत से लोग जानते हैं, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, एक्शन है इसमें जानने का। सो सेंटेंस नॉर्मल बनेगा, क्या बनेगा? डूअर मेनवर्ड एक्शन। ठीक है, डूअर मेनवर्ड एक्शन, तो डूअर कौन है यहाँ पे? इसमें बहुत से लोग, लॉट ऑफ पीपल, मैनी पीपल भी आप लगा सकते हो, अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत से लोग, ये हो गया हमारा डूअर। मेनवर्ड आएगा डू, क्योंकि प्लूरल है तो उसके साथ डू लगेगा। एक्शन क्या है यहाँ पे? जानना, नो। सो बनेगा क्या हमारा? अ लॉट ऑफ पीपल डू नो, डू छुपेगा नो के अंदर, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट और डू डज और पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड, ये छुप जाते हैं। ठीक है, जब डू छुपता है कोई चेंज नहीं आता, डज छुपता है तो एक्शन में एस या ईएस लग जाता है, और डिड छुपता है तो एक्शन की सेकेंड फॉर्म बन जाती है। ठीक, सो अ लॉट ऑफ पीपल नो, बहुत से लोग जानते हैं कि, अब आप चाहो तो की के लिए दैट लगा सकते हो, चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, मैंने इग्नोर कर दिया। आप अभी क्या कर रही हैं, अब ये सवाल नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, ठीक, तो ये सवाल नहीं पूछा जा रहा है। अगर ये टिपिकल सवाल पूछा जाता, कि अगर मैं किसी से पूछ रहा हूँ कि भाई क्या कर रही हो तुम, ठीक है, या फिर आप क्या कर रही हो अभी, तो फॉर्मेशन क्या होती? क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। ठीक है, ये होता, और कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है तो डूअर में, सॉरी एक्शन में आईएनजी लगती फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक, अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ क्या की गई है, यहाँ पे सवाल है नहीं, लेकिन जो इंटरव्यू ले रहा है उसने बोला ही इस स्ट्रक्चर में है, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, बोलना क्या चाहिए था, क्योंकि सवाल नहीं है। अब जब सवाल ना हो तो हम जो ये व्हाट, विच, व्हेन होता है, इनको लगा के छोड़ देते हैं और बाकी सेंटेंस नॉर्मल बनता है। जैसे व्हाट लगाया क्या के लिए, आप कर रही हो, यू आर डूइंग, तो व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, ये सेंटेंस बनना चाहिए था, व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। लेकिन यहाँ पे हिंदी में जो सेंस बन रहा है, बहुत से लोग जानते हैं कि आप अभी क्या कर रहे हो, ये सवाल नहीं है, लेकिन बोला ही इस तरीके से इंटरव्यू लेने वाले में, अ लॉट ऑफ पीपल नो व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। कायदे में ये मतलब सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही है, लेकिन अगर फॉर्मेशन देखी जाए कहाँ पे जो यूज करना चाहिए, वो स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन गलत है। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई जगह हो जहां पे आपको कोई चीज बतानी है, पूछने नहीं है, जैसे कि मैं बोलूं मुझे पता है तुम रोज कहां जाते हो। ठीक है, अब जब मैंने बोला मुझे पता है, आई नो, तुम कहां जाते हो, ठीक, तो ये से मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं, तो कहां के लिए मैं वेयर लगाऊंगा और उसको साइड में रख दूंगा, फिर बनाऊंगा तुम जाते हो, यू गो। ठीक है, सो आई नो वेयर यू गो। अगर मुझे सवाल पूछना होता कि तुम कहाँ जाते हो, सो वेयर डू यू गो, इस तरीके से बनता। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। तो सेंटेंस एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, बहुत से लोग जानते हैं कि आप अभी क्या कर रही हैं, अ लॉट ऑफ पीपल नो दैट व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, लेकिन वो पीछे की कहानी के बारे में नहीं जानते। तो यहाँ पे सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस आपका वही है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन के लिए बट लगाया, साइड कर दिया, क्योंकि हम सेंटेंस कहाँ से पकड़ेंगे? हम डूअर से सेंटेंस पकड़ेंगे, और हिंदी में डूअर कहाँ से आ रहा है? वो पीछे की कहानी के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो से शुरू हो रहा है, वो से पहले जो लगा हुआ है, लेकिन उसके लिए बट लगाया, साइड में रख दिया। अब सेंटेंस यहाँ से पकड़ते हैं, वो पीछे की कहानी के बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, सेंटेंस मैंने बताया कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। फॉर्मेशन क्या होगी? डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। ठीक है, सो डूअर कौन है यहाँ पे? वो, मतलब वे, दे, मेन वर्ड लगेगा दे के साथ, डू, फिर आया नॉट, दे डू नॉट, एक्शन क्या है? जानना। सो दे डू नॉट नो, वे नहीं जानते हैं किस चीज़ के बारे में, पीछे की कहानी के बारे में, अबाउट दी बैक स्टोरी। अब यहाँ पे अबाउट लगाना ज़रूरी नहीं था, अगर मैं यहाँ पे सिंपल से ये बोल दूँ बट दे डोंट नो दी बैक स्टोरी, ये सेंटेंस भी ठीक है कि वो पीछे की कहानी नहीं जानते हैं। तो ऐसी चीज़ों में अबाउट लगाओ या मत लगाओ वो आपकी कॉल है, ज़रूरी नहीं है कि लगाना ज़रूरी है, लेकिन अगर के बारे में का सेंस आपको टिपिकली देना हो तो आप अबाउट का यूज़ कर सकते हो, और कई जगह आपको अबाउट का यूज़ इस तरीके से नहीं मिलेगा, सिंपल सा बोल दिया जाएगा बट दे डोंट नोट, सॉरी बट दे डोंट नो दी बैक स्टोरी, इस तरीके से बोल दिया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सेंस समझ लेना होगा। नेक्स्ट देखते हैं,
आपको कितनी बार रिजेक्शन का सामना आपने सॉरी यहाँ पे आपने आएगा कि आपने कितनी बार रिजेक्शन का सामना किया है। ठीक है, आपने कितनी बार रिजेक्शन का सामना किया है। तो सेंटेंस ये कौन सा बनेगा? सेंटेंस बनेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट का, या है ये जो सेंस आते हैं ये, और इन सेंटेंसेस को आप चुका है कि फॉर्म में डाल के देखोगे ना तो सेंस एकदम सेम मिलेगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे बोलूँ आपको कितनी बार रिजेक्शन का सामना आपने कितनी बार रिजेक्शन का सामना किया है, तो एक तो ये हो गया। आप दूसरा, आप कितनी बार रिजेक्शन का सामना कर चुकी हो, तो सेंस एकदम सेम मिल रहा है। तो या है ये है और चुका है चुकी है मोस्टली आपके प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्म में ही मिलेंगे। जो हमने सेंटेंस बनाया है कि आपने कितनी बार सामना किया है, तो डूअर से ही सेंटेंस शुरू हो रहा है, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट का है, फॉर्मेशन क्या होगी? डूअर मेन वर्ड एक्शन, और परफेक्ट है तो एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल भी पूछा जा रहा है। ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। क्लियर है, जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। तो फॉर्मेशन क्या होगी? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर मेन वर्ड आएगा, फिर डूअर और फिर एक्शन। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड आएगा सबसे पहले, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है? कितनी बार, ये पूरा यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है। सिर्फ कितनी नहीं है, कितनी बार, ये क्वेश्चन वर्ड है हमारा। जैसे अगर मैं बोलूँ तुमने कितनी टॉफियाँ खाई, तो यहाँ पे सिर्फ कितनी नहीं होगा, कितनी टॉफियाँ, ये पूरा क्वेश्चन वर्ड होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है? कितनी बार। सो कितनी बार का मैं लगाऊंगा हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार। अब आएगा मेन वर्ड। अब डूअर कौन है? तुम, तो मेन वर्ड लगेगा यू, यू के तुम के साथ, सॉरी मेन वर्ड लगेगा हैव। ठीक है, सो आई वी यू दे के साथ हैव लगेगा, ही शीट के साथ हैज लगेगा। सो यहाँ पे मेन वर्ड आया हैव, हाउ मेनी टाइम्स हैव। अब डूअर कौन है? तुम, यू। एक्शन क्या है यहाँ पे? सामना करना, मतलब फेस करना। अब एक्शन की थर्ड फॉर्म लगेगी फेस्ड। सो क्वेश्चन, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है? हाउ मेनी टाइम्स। मेन वर्ड क्या है? हैव। डूअर कौन है? यू। एक्शन क्या है? फेस्ड। सो हाउ मेनी टाइम्स हैव यू फेस्ड रिजेक्शंस, कि आपने कितनी बार रिजेक्शनों का सामना किया है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या आपसे कुछ बहुत खराब कहा गया? अब ये जो सेंटेंस है ये पैसिव सेंटेंस है। ठीक है, ये एक पैसिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस को आप चाहो तो सिंपल टिपिकल पैसिव के फॉर्म में ले जा सकते हो। क्या आपसे कुछ खराब कहा गया? वर यू टोल्ड एनीथिंग बैड, या फिर वर यू टोल्ड एनीथिंग मीन। ठीक है, इस तरीके से वर यू टोल्ड, क्या आपसे कहा गया। जैसे कि अगर मैं बोलूं आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया। ठीक है, सवाल पूछूंगा जब मैं, जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, या फिर क्या शुरू में आ रहा है, तो मैंने कितनी बार बताया कि ऐसी चीज़ों में जो आपका मेन वर्ड होता है वो पहले आ जाता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ ही वॉज बीटन, इसको पीटा गया। ठीक है, अगर मुझे सवाल पूछना हो क्या, सॉरी हाँ, अगर मुझे सवाल पूछना हो क्या इसको पीटा गया, सो वॉज ही। ठीक है, वॉज ही लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अब पूछा जा रहा है क्या आपसे कुछ बहुत खराब कहा गया। सो एक तो तरीका ये हो गया, वर यू टोल्ड एनीथिंग मीन, एक तरीका ये हो गया। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि हाँ भाई आई वॉज टोल्ड समथिंग मीन, मुझसे कुछ खराब कहा गया, तो एक्शन की थर्ड फॉर्म लगेगी। पहले अब इसकी फॉर्मेशन देखो क्या होती है, अगर सिंपल पैसिव का सेंटेंस है तो किस पे काम हुआ, फिर मेन वर्ड, फिर क्या काम हुआ, किस पे काम हुआ, फिर मेन वर्ड, फिर क्या काम हुआ, मुझे बताया गया। तो काम किस पे हुआ? मुझ पे, आए, फिर मेन वर्ड लगेगा वॉज। क्या काम हुआ? मुझे बताने का काम, मुझे बताया गया, सो आई वॉज टोल्ड। ठीक है, समझ गए। द वॉल वॉज पेंटेड, किस पे काम हुआ? दीवार पे, फिर वॉज आया मेन वर्ड, उसको उस पे क्या काम हुआ? पेंट का, उसकी थर्ड फॉर्म है कि पेंटेड। अगर मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो मेन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मेन वर्ड आएगा, फिर किस पे काम हुआ, फिर क्या काम हुआ, ये होगी सिंपल फॉर्मेशन। अब इस सेंटेंस के ऊपर आते हैं, क्या आपसे कुछ बहुत खराब कहा गया। एक तो तरीका मैंने बता दिया, वर यू टोल्ड समथिंग मीन, वर यू टोल्ड एनीथिंग मीन, या फिर बैड। दूसरा तरीका, वॉज देयर समथिंग, क्या कुछ था, क्या कुछ था। वॉज देयर समथिंग रियली मीन सेड टू यू। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है, बहुत ही कमाल की चीज़ है ये समझने वाली। सो वॉज देयर समथिंग, अब जैसे ये देयर का यूज़ मैंने बोला, देयर वॉज समथिंग, कुछ था वहाँ पे। ठीक है, तो किसी भी चीज़ की प्रेजेंस की, एग्जिस्टेंस की बात करता हूँ तो मैं देयर का यूज़ करूँगा, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ तो इज एम आर, पास्ट की बात कर रहा हूँ तो वॉज वर। सो देयर वॉज समथिंग, कुछ था। अब मैंने पूछा क्या कुछ था, तो क्या होगा, जो मेन वर्ड है वो पहले आ जाएगा। वॉज देयर समथिंग, क्या कुछ था, रियली मीन, बहुत ही गंदा, मीन का मतलब कमीनों वाली चीज़ है, बहुत ही मतलबी वाली चीज़ है। सो वॉज देयर समथिंग रियली मीन, क्या वहाँ क्या कुछ बहुत गंदा था, क्या कुछ बहुत बेकार था।
ठीक है, इतना सेंटेंस पकड़ा, इतना समझ लो रेली का मतलब बहुत के तौर पे लिया गया है. सो वॉज देयर समथिंग रेली मीन, क्या कुछ बहुत खराब चीज थी. अब यहाँ पे विच का यूज होना चाहिए, विच वॉज सैड टू यू. अब मैंने क्या बताया हुआ है, ऐसी जगह पे या तो विच लगाओ, ठीक है, या तो विच लगाओ, वॉट लगाओ, हु लगाओ. अगर इंसान की बात चलिए तो हु लगेगा, किसी बात की बात चलिए तो वॉट लगेगा, किसी चीज़ की बात चलिए तो विच लगेगा. और अगर चाहो तो कुछ मत लगाओ, या फिर दैट लगा दो या फिर कुछ मत लगाओ. तीन चीज़ें लगा सकते हो, विच, वॉट, हु, या फिर दैट, या फिर कुछ मत लगाओ. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लगाया. सो वॉज देयर समथिंग मीन, क्या कुछ बहुत खराब था, सेट टू यू, तुमसे कहा गया. तो जो तुमसे कहा गया, विच वॉज सेट टू यू, ऐसे आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने विच को नहीं लगाया है, सेट टू यू. अब दोबारा वॉज लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वॉज स्टार्टिंग में लगा दिया. अगर विच का यूज़ करता तो मुझे वॉज लगाना पड़ता, और अगर मैंने विच को नहीं लगाया तो मुझे वॉज भी नहीं लगाना, क्योंकि स्टार्टिंग में लगा दिया. तो सेंटेंस मैंने यहाँ पे कैसे बनाया, वॉज देयर समथिंग मीन सेट टू यू, क्या कुछ बहुत ख़राब था जो तुमसे कहा गया. ठीक है, तो ये जो सेट टू यू है ना, ये आपका जो सेंस है लेकर चलेगा पास्ट इंडेफिनिट वाली. ठीक है, और या फिर आप इसको पैसिव वॉइस में भी समझ सकते हो. सो विच वॉज सेट टू यू, पैसिव वॉइस में ही आएगा वैसे, सॉरी, ये पास्ट इंडेफिनिट में नहीं आएगा, पैसिव वॉइस में ही आएगा. विच वॉज सेट टू यू, ये भी आपका पैसिव ही सेंटेंस है. ठीक है, तो पूरा सेंटेंस बना, क्या आपसे बहुत कुछ खराब कहा गया, वॉज देयर समथिंग रियली मीन सेट टू यू. और मीन का मतलब होता है बहुत ही कमीनों वाली, मतलबी वाली, खराब चीज़ है. एक बार विक्की ने मुझसे कहा था कि वो डिओड्रेंट के एड में गए थे, दो सेंटेंस हैं और दोनों ही सेंटेंस आपके पास्ट इंडेफिनिट के हैं. एक बार विक्की ने मुझसे कहा था, अब यहाँ पे डूअर से पकड़ते हैं, विक्की ने मुझसे कहा था, उससे पहले क्या रहा, एक बार को लगा के साइड में रख देते हैं. सो एक बार के लिए वंस लगाया और साइड में रख दिया. विक्की ने मुझसे कहा था, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन आएगी. डूअर कौन है, विक्की, फिर आएगा मेन वर्ड डेट, अब एक्शन आएगा कहा, तो टेल. ठीक है, डिड छुपा टेल में टोल्ड बन गया. विक्की टोल्ड मी, विक्की ने मुझसे कहा. ठीक है, सो विक्की टोल्ड मी दैट, कि आप चाहो तो दैट को हटा भी सकते हो. विक्की टोल्ड मी दैट, विक्की ने मुझसे कहा था कि वो डिओड्रेंट के एड में गए थे, या फिर एड के लिए गए थे, तो फॉर लगा देंगे वरना इन लगा देंगे. ठीक है, सो ये सेंटेंस भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है. ठीक है, डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी. डूअर कौन है, वो, ही, फिर आएगा डिड, मेन वर्ड, और एक्शन क्या है, जाना. सो गो, ही डिड गो आता, और डिड छुपा गो में सेकंड फॉर्म बन गई, ही वेंट. ही वेंट फॉर एन ऑडिशन भी आ सकता था. ठीक है, सॉरी, फॉर एन एड, या फिर फॉर एन डिओड्रेंट एड, फॉर अ डिओड्रेंट एड, इस तरीके से आ सकता था, और मतलब उसमें के लिए वाला सेंस आ जाता. और यहाँ पे इन का है, दैट ही वेंट, कि वो गए थे इन अ डिओड्रेंट एड, एक डिओड्रेंट के एड में. ठीक है, पूरा सेंटेंस क्या बना, एक बार विक्की ने मुझसे कहा था कि वो डिओड्रेंट के एड में गए थे. वंस विक्की टोल्ड मी दैट ही वेंट इन अ डिओड्रेंट एड, उन्हें देखकर ही डायरेक्टर ने कहा कि हम आपको नहीं ले सकते. मतलब उनको देखकर ही कह दिया, वो वाला सेंस है ये, कि ना तो उनका ऑडिशन लिया, ना उनसे कुछ एक्टिंग कराई, ना कुछ हुआ, उन्हें उनको देखते ही बोल दिया. अब यहाँ पे जो सेंस है समझने वाला, उसको देखते ही मैंने रास्ता मोड़ लिया. ठीक है, सो यहाँ पे आफ्टर का भी यूज़ कर सकते हो, आफ्टर के बाद जो एक्शन आएगा उसमें आईएनजी, आफ्टर सीइंग हिम, उसको देखने के बाद, आफ्टर सीइंग हिम आई टुक द अनदर वे, कि मैंने दूसरा रास्ता ले लिया. दूसरा तरीका है यहाँ पे बाय का यूज़ कर सकते हैं, बाय सीइंग हिम. तो बाय का भी जब मैंने यूज़ करा ना, उसको देखने के बाद वाला ही सेंस आएगा. ठीक है, उसको देख कर. ठीक है, हैविंग आ हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का भी आप यूज़ कर सकते हो, हैविंग लुक्ड एट हिम. ठीक है, अब यहाँ पे जो सिर्फ उनको देखकर ही, जो ही वाला सेंस है, उसके लिए मुझे ओनली लगाना पड़ेगा. ओनली कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले. सो आफ्टर ओनली सीइंग हिम, एक तरीका ये हो गया. ठीक है, हैविंग ओनली अ लुक. ठीक है, हैविंग ओनली अ लाइक इस तरीके से, हैविंग ओनली अ लुक्ड एट हिम. ठीक है, हैविंग ओनली अ ग्लैंस्ड ऑफ हिम, ये हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का भी आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तीसरा तरीका हो गया बाय का, बाय सीइंग हिम, उसको देखकर. ठीक है, और बाय ओनली सीइंग हिम, उसको देखकर ही, सिर्फ उसको देखकर ही. ठीक है, सो बाय ओनली सीइंग हिम, सिर्फ उसको देखकर ही. अब हमारा डूअर से सेंटेंस शुरू हो रहा है, डायरेक्टर ने कहा कि हम आपको नहीं ले सकते. तो एक्शन जो मेरा डूअर हो रहा है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, डायरेक्टर ने कहा. अब उससे जो पहले बचा हुआ है ना, उन्हें देखकर ही, ये एक बहुत समझने वाली चीज़ थी.
ठीक है, अब ये आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। सो बाय ओनली सीइंग हिम, ठीक, जैसे कि आप बोलो सर बाय ओनली गेटिंग द नोटिफिकेशन ऑफ योर वीडियो वी क्लिक ऑन दिस, कि आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन देखकर ही, उस तरीके से। सो बाय ओनली सीइंग हिम, उसको देखकर ही डायरेक्टर ने कहा कि हम आपको नहीं ले सकते। अब डायरेक्टर ने कहा, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है डायरेक्टर, फिर डिड लगेगा मेन वर्ड और एक्शन क्या है कहा, से, डिड छुपा से में और वो सेट बन गया, डायरेक्टर सेट, डायरेक्टर ने कहा कि इसके लिए दैट लगाओ या फिर हटा दो, आपकी कॉल है, हम आपको नहीं ले सकते। अब ये दूसरा सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस है, सकते वाला, सकता है, सकती है, तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारा मेन वर्ड कैन, ठीक है, हम आपको नहीं ले सकते, तो कैन वाला सेंटेंस और नेगेटिव है, सो क्या लगेगा यहाँ पे, डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, क्योंकि नेगेटिव वाली की फॉर्मेशन यही होती है, तो हम आपको नहीं ले सकते, डूअर कौन है हम, वी, मेन वर्ड लगेगा कैन, उसके साथ लगेगा नॉट, एक्शन क्या है लेना, तो टेक यू, वी कैन नॉट टेक यू, हम आपको नहीं ले सकते, तो पूरा सेंटेंस क्या बना, उन्हें देखकर ही डायरेक्टर ने कहा कि हम आपको नहीं ले सकते, बाय ओनली सीइंग हिम डायरेक्टर सेड दैट वी कैन नॉट टेक यू। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, हैव यू एवर फेस दीज थिंग्स, एक तो तरीका ये हो गया, और दूसरा यहाँ पे इसको टिपिकली जो भी यहाँ पे हिंदी में है वर्ड टू वर्ड भी आप ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ है, यहाँ पे एक एक्शन है होना, ठीक है, होना यहाँ पे एक्शन है, तो इस सेंटेंस को मैं पैसिव वॉइस में तो नहीं बना सकता, ठीक है, ये जो सेंटेंस बनेगा ये आपका एक्टिव की ही फॉर्मेशन में बनेगा, ठीक। अब एक्टिव की फॉर्मेशन में है और दूसरा सेंटेंस, ठीक, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट वाला सेंटेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट का भी इसमें सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, और क्या भी शुरू में लग रहा है। सो फॉर्मेशन क्या होगी, फॉर्मेशन होगी सबसे पहले मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन, मेन वर्ड डूअर एक्शन, ये फॉर्मेशन होगी, क्योंकि यहाँ पे होना एक एक्शन का सेंस लेकर चल रहा है, ठीक है। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, ठीक, तो मेन वर्ड क्या लगेगा यहाँ पे, ऐसा कभी हुआ है, सिंगुलर सेंस आ रहा है ना, सो हैज। अब यहाँ पे डूअर कौन है, पहले एक्शन पकड़ो, हुआ है, ये है हमारा एक्शन, अब क्या हुआ है, ठीक है, कभी ऐसा, ठीक, तो ऐसा मतलब ये चीज़, वो चीज़, ये एक यहाँ पे डूअर है, वैसा हुआ है, वो चीज़ हुई आपके साथ, तो जो वो चीज़ है ना ये हमारा डूअर है, सो मतलब दैट, ठीक है, हैज दैट। अब आप कभी को साइड में रख दो फिलहाल के लिए, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है, ये सेंटेंस पकड़ते हैं, सो हैज दैट। अब एक्शन मतलब हमारा मेन वर्ड लग गया हैज, डूअर लग गया दैट, एक्शन क्या है होना, हैपन, हैपन की थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि परफेक्ट सेंटेंस है, सो हैज दैट हैपन टू यू, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, ठीक है, हैज दैट हैपन टू यू, तो ये सेंटेंस आएगा। अब पकड़ते हैं हमारे कभी को, अब कभी के लिए हम क्या लगाएंगे, एवर, कभी नहीं होता तो हम क्या लगाते हैं, नेवर, और ये चीज़ें मैंने 10 बार बताई हैं कहाँ लगती हैं, एक्शन से पहले, एक्शन क्या है यहाँ पे, हैपन्ड, तो इससे पहले हम लगा देंगे, सो हैज दैट एवर हैपन टू यू, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ क्या उसने तुम्हें पीटा है, सो हैज ही बीटन यू, समझ में आ गया, हैज ही बीटन यू, मेन वर्ड आया, फिर डूअर, फिर एक्शन की थर्ड फॉर्म। अगर मैं बोलूँ क्या उसने कभी तुम्हें पीटा है, सो हैज ही एवर बीटन यू, इस तरीके से सेम फॉर्मेशन सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज हुआ है, हैज दैट एवर हैपन टू यू, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है। अब यहाँ पे जवाब है मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर देखो ये सेंटेंस है कौन सा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट वाला, और यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे होना एक एक्शन है, मतलब हैपन यहाँ पे फिर एक्शन है, एक्शन है तो मैं इसको पैसिव फॉर्म में वैसे नहीं बना सकता, ठीक है, मतलब कोई यहाँ पे डूअर भी होगा करने वाला है, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम पे जोर दिया जा रहा है, मेरे साथ ये चीज़ हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंस बनेगा, ठीक, तो यहाँ पे भी एक एक्टिव वाले सेंटेंस का सेंस बनेगा। अब देखो कैसे बनाएंगे, ना तो यहाँ पे सवाल है ना ही यहाँ पे कोई नेगेटिव है, मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन रहेगी डूअर मेन वर्ड एक्शन की। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले डूअर समझने के लिए एक्शन समझो, होना, हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्शन है होना, ठीक है। अब क्या हो चुका है, ऐसा, ऐसा हो चुका है, तो जो मेरा ऐसा है ना,
ठीक है, मतलब ये चीज ऐसा, फिर यहां पे ये मेरा डूअर है, सो मतलब दिस क्या हुई है, क्या चीज हुई है, ये हुआ है, ठीक है, मेरे साथ ये कई बार हुआ है, ऐसा कई बार हुआ है, तो यहां पे जो हुई है ऐसा और ये सेंस है, यहां पे हमारा ये चीज है डूअर, सो इसके लिए हम लगाएंगे दिस। आप दैट का भी यूज कर सकते हो कि हाँ वैसा मेरे साथ कई बार हुआ है, तो दिस आया हमारा डूअर। मेन वर्ड लगेगा, सिंगुलर सेंस है तो हैज, ठीक है, दिस हैज। एक्शन आया होना, हैपन की थर्ड फॉर्म, दिस हैज हैपन टू मी, ठीक है, ऐसा मेरे साथ हो चुका है मैनी टाइम्स या फिर सो मैनी टाइम्स, कई बार। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी समझनी, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ही ना कन्फ्यूज़ करती रहती हैं। तो मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है, ठीक है, तो ये चीज़ हो चुकी है मेरे साथ कई बार, तो जो चीज़ हुई है वो मैं मेरा डूअर, ठीक है, तो ये हुआ है मेरे साथ कई बार, तो मेरा डूअर है ये। सो दिस हैज़ हैपन टू मी सो मैनी टाइम्स, कि मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है। इससे आज भी मेरा दिल टूटता है। अब यहाँ पे इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो, बहुत प्यारा है, मतलब एक पूरा एक जो सेंटेंस है ना, ये पूरा इस तरीके से चलता है, इट ब्रेक्स माई हार्ट, मतलब ये मेरा दिल तोड़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में बना, इट ब्रेक्स माई हार्ट, मतलब तोड़ता कौन है, इट, डूअर, मेन वर्ड लगा हमारा डज, और एक्शन क्या है, ब्रेक, तो डज छुपा ब्रेक में ब्रेक्स बन गया, इट ब्रेक्स माई हार्ट, ये मेरा दिल तोड़ता है। अब आज भी इस सेंटेंस के लिए टुडे ऑल्सो की जगह आप लगाना शुरू करो टू दिस डे, टू दिस डे मतलब इस दिन तक, इस दिन का मतलब आज, तो आज तक, ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी फॉर्मेशन थी और ये चीज़ बहुत ही आप यूज कर सकते हो, टू दिस डे, दैट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू, एक तो तरीका ये हो गया, आई एम वेटिंग फॉर यू टू दिस डे, कि मैं तुम्हारा अभी भी इस दिन तक इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है, सो इट ब्रेक्स माई हार्ट टू दिस डे, इससे आज भी मेरा दिल टूटता है, ये आज भी मेरा दिल तोड़ती है, तो जब मैंने सोचा इससे मेरा आज भी दिल टूटता है, ठीक है, तो इस सेंटेंस को थोड़ा सिंपल बना के देखो कि ये चीज़ आज भी मेरा दिल तोड़ती है, सो इट ब्रेक्स माई हार्ट टू दिस डे। लेकिन मुझे लगता है कि मैं विकसित हो गई हूँ, गया नहीं है ये गई है, ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज होगा, उस वर्ड का मैंने मतलब समझाने के लिए दो चीज़ें लिख दी हैं, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है, तो लेकिन के लिए बट लगाया साइड में रख दिया, डूअर से पकड़ते हैं, मुझे लगता है मतलब मैं सोचती हूँ, सो आई डू थिंक, लगता कैसे है, सोच के लगता है, या फिर फील भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, आई थिंक या आई फील, ठीक है, की के लिए आप दैट लगाओ या इग्नोर करो, आपकी कॉल है। मैं विकसित हो गई हूँ, ठीक है, मतलब कौन सा सेंटेंस है ये वाला, ये परफेक्ट वाला सेंटेंस है, मैं विकसित हो चुकी हूँ, मैं विकसित हो गई हूँ, ठीक है, तो ये सेंटेंस कौन सा है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट वाला, डूअर मेन वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म लगेगी, डूअर कौन है, मैं, ठीक है, आई के साथ क्या लगेगा, हैव, अब यहाँ पे विकसित होने के लिए वर्ड लगेगा इवॉल्व, और इवॉल्व की थर्ड फॉर्म लगेगी इवॉल्व्ड, अब इसका मतलब होता है विकसित हो जाना या फिर आगे बढ़ जाना, मतलब मैं इस चीज़ में ना अब आगे बढ़ गई हूँ, मेरा दिमाग ना इससे ऊपर उठ गया है, मैं इन मोह माया से ऊपर उठ गई हूँ। अब यहाँ पे मूव फॉरवर्ड का भी आप यूज़ कर सकते हैं, मूव ऑन का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे इवॉल्व समझ में ना आए तो, कि आई हैव मूव्ड ऑन, ठीक है, आई हैव मूव फॉरवर्ड, आई हैव मूव्ड अहेड, आई हैव गॉन अहेड, आप कई सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप मेरे से एक वर्ड पूछो कि यहाँ पे वर्ड हम क्या लगा सकते हैं, एक तो दैट वर्ड इज इवॉल्व, ठीक है, आगे बढ़ जाना, मूव ऑन कर लेना, लेकिन मुझे लगता है कि मैं विकसित हो गई हूँ, बट आई थिंक आई हैव इवॉल्व्ड। अंतिम समय में बदला जाना, मतलब रिप्लेस करना, यहाँ पे बदला जाने का मतलब है रिप्लेस करना, मतलब तुम्हारी जगह किसी और को ले लेना, ठीक है, सो अंतिम समय में बदला जाना, ये सेंटेंस कौन सा है, ये पैसिव सेंटेंस है, ठीक है, इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से समझना, ये सेंटेंस एक पैसिव है, और ये मतलब कोई उसके अंदर भी नहीं आएगा कि मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, नहीं, तो ऐसा होना ये उस सेंस में आएगा, उदास होना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, सो इस जगह पे हम होने के लिए वर्ड का यूज करेंगे बीइंग, ठीक है, बीइंग रिप्लेस्ड, रिप्लेस किया जाना, ठीक है, इस तरीके से, जैसे मैं बोलूँ किसी को पीटा जाना, मतलब पीटा जाना अच्छी चीज नहीं है, सो बीइंग बीटन, ठीक है, यहाँ पे ना आप एक चीज़ बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, गेट का यूज़ और बीइंग का यूज़, अब अगर जैसे मैं बोलूँ किया जाना, ठीक है, रिप्लेस किया जाना, सो गेटिंग रिप्लेस्ड आएगा वहाँ पे, ठीक है, कोई चीज़ की जानी, जैसे कि मैं बोलूँ गेट दिस वॉल पेंटेड, इस दीवार को पेंट करवा लो, ठीक है, अगर मुझे करवाया गया, सो गेटिंग रिप्लेस्ड कि रिप्लेस किया करवाया जाना,
ठीक है, मतलब किसी ने मुझे रिप्लेस करवाया, एक तो तरीका ये हो गया। और गेट जो चीज़ें होंगी वो ज़्यादातर दूसरी चीज़ों पर होंगी, ठीक है, गेट गेट दिस कार वॉश्ड, गाड़ी को वॉश करा लो। अब बी का जो यूज़ होगा ना वो होने वाले सेंस में होगा, ठीक है, अपसेट होना, बींग अपसेट इज़ नॉट गुड, इस तरीके से। सो बींग रिप्लेस्ड, ठीक है, मतलब रिप्लेस होना, ठीक है, रिप्लेस की फॉर्म में आना, बींग रिप्लेस्ड, ठीक है, रिप्लेस होना अंतिम समय में, एट द लास्ट मोमेंट या फिर एट द लास्ट मिनट। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी समझना, ठीक है। गेटिंग रिप्लेस्ड भी आ सकता है यहाँ पे, तो गेटिंग रिप्लेस का मतलब आ जाएगा रिप्लेस किया जाना, रिप्लेस करवाया जाना, कि किसी ने मुझे वहाँ पे रिप्लेस करवा दिया, ठीक है। तो वहाँ पे, यहाँ पे आप गेट का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन गेट का यूज़ करोगे तो करवाया जाने वाला सेंस आ जाएगा, गेटिंग रिप्लेस्ड, ठीक है, कि किसी से मतलब रिप्लेस करवाया जाना, ठीक है, कि मुझे करवाया गया है रिप्लेस। बींग का मतलब है होना, कि मतलब रिप्लेस बदल जाना, मतलब रिप्लेस बदला जाना, सो बींग रिप्लेस्ड, ठीक है, इस तरीके से। सो अंतिम समय में बदला जाना, बींग रिप्लेस एट द लास्ट मिनट सबसे बुरी चीज़ है। अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये है आपका सिंपल प्रेजेंट, इसमें कुछ एक्शन नहीं है, तो सबसे बुरी चीज़ है। अब यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला कि ये सबसे बुरी चीज़ है, सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है ना वो यहाँ से चलती आ रही है कि क्या बुरी चीज़ है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है, ठीक है। सो किसकी बात कर रहे हैं, बींग रिप्लेस एट द लास्ट मिनट, बींग रिप्लेस एट द लास्ट मिनट, ये है हम किसकी बात कर रहे हैं। फिर इज, ठीक है, अब मेन वर्ड, अब वो क्या है, वर्स्ट थिंग, द वर्स्ट थिंग, ठीक है, सबसे बुरी चीज़। तो सेंटेंस यहाँ पे डॉट डॉट जो लगाया हुआ है वो इसीलिए ही लगाया हुआ है क्योंकि सेंटेंस है कंप्लीट ऐसे नहीं है, आगे होगा। सो अंतिम समय में बदला जाना, बींग रिप्लेस एट द लास्ट मोमेंट, ये हो गया हमारा किसकी बात कर रहे हैं। फिर मेन वर्ड आया इज, अब वो क्या है, द वर्स्ट थिंग, सबसे बुरी चीज़ जो किसी के साथ भी हो सकती है। अब जो के लिए यहाँ पे मैं विच का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, चाहो तो इग्नोर कर दो या फिर दैट भी लगा सकते हो, तीनों चीज़ मैंने बता दी आपको। यहाँ पे दैट का यूज़ कर दिया, ठीक है, जो किसी के भी साथ हो सकती हैं, सो दैट कैन हैपन टू एनीबॉडी या फिर एनीवन, ठीक है, सो दैट कैन हैपन, हो सकती हैं, ठीक है, सो दैट कैन हैपन विद एनीबॉडी या फिर एनीवन। अब जो के लिए मैंने यहाँ दैट लगाया, जो के लिए दैट लगाया साइड में कर दिया, किसी के भी साथ हो सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा, मेन वर्ड, ठीक, डूअर तो यहाँ है ही नहीं, तो मेन वर्ड और फिर एक्शन। सो मेन वर्ड क्या है, कैन, सकती है, सकता है, कैन आया, और एक्शन क्या, होना। सो कैन हैपन किसी के भी साथ, टू एनीवन या फिर एनीबॉडी। तो पूरा सेंटेंस देखो यहाँ पे क्या बना, अंतिम समय में बदला जाना सबसे बुरी चीज़ है जो किसी के भी साथ हो सकती है। बींग रिप्लेस एट द लास्ट मिनट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू एनीबॉडी। इस पर मेरा यकीन करो। अब जैसे हम कई बार ऐसे बोलते हैं ना, भाई इस बात का यकीन मान, ऐसे, तो इसके लिए एक टर्म है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक। तो ये जो हम हिंदी में भी कई बार बोलते हैं ना, भाई इस बात का यकीन मान मेरा इस बात पे, तो इंग्लिश में भी इसके लिए प्रॉपर टर्म है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ट्रस्ट मी का मतलब हो गया भरोसा करो, भाई मेरा भरोसा करो। ऑन दिस का मतलब इस बात पे, इस चीज़ पे, इस पे। सो ट्रस्ट मी ऑन दिस, इस पर मेरा यकीन करो, जब मुझे एक फिल्म में रिप्लेस किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप बींग का भी यूज़ कर सकते हो, वेन आई वॉज बींग रिप्लेस्ड, ठीक है। तो बींग का अगर मैं लगवा दूंगा ना, तो करवाया गया वाला सेंटेंस सेंस एक आ जाएगा, ठीक है। सो व्हेन आई वाज रिप्लेस्ड, अब यहाँ पे रिप्लेस के अंदर ईडी जब लग गया, तो मतलब जब मैं उस फॉर्म में थी, ठीक है, जब मैं उस फॉर्म में थी। तो ये जो सेंटेंस है ना, आई वाज रिप्लेस्ड, छोटा सा इतना सा सेंटेंस। अब देखो, जब के लिए वैन लगाओ, साइड में रख दो, सेंटेंस पकड़ते हैं, मुझे एक फिल्म में रिप्लेस किया गया। तो ये सेंटेंस मैंने कैसे बनाया, व्हेन आई वाज बींग रिप्लेस्ड, एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। तो ये तो एक प्रॉपर पैसिव वॉइस में चला गया, प्रॉपर पैसिव वॉइस में, ठीक, जब मुझे रिप्लेस किया जा रहा था, जब मैं रिप्लेस हो रही थी, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस मैंने लिया है, ये मैंने बनाने की कोशिश की आपकी सिंपल पास्ट के फॉर्म में। तो किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या थी, ठीक है। सो व्हेन लगाया, साइड में कर दिया, मैं, आई, मेन वर्ड वॉज, अब मैं रिप्लेस की फॉर्म में थी, व्हेन आई वॉज रिप्लेस्ड, ठीक है। तो जब मैं रिप्लेस हुई थी, मतलब रिप्लेस की हुई थी, इस तरीके से सेंस बना है यहाँ पे। सो व्हेन आई वाज रिप्लेस्ड, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि जब मुझे पीटा गया था, व्हेन आई वाज बीइंग बीटन, और दूसरा व्हेन आई वाज बीटन, तो जब मैं
व्हेन आई वॉज बीटन बोल रहा हूँ, तो जब मैं एक पिटी हुई कंडीशन में था, ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस बना. सो व्हेन आई वॉज रिप्लेस्ड इन अ फिल्म, जब मुझे एक फिल्म में रिप्लेस किया गया, मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया जब मैं रो रही थी, तो मैं ऐसी थी, ये हुआ वो हुआ, ये सेंटेंस बहुत लंबा हो गया. मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया, सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट. सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड डिड, एक्शन है कॉल, डिड छुपा कॉल में कॉल्ड बन गया, आई कॉल्ड माई मॉम, मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया जब मैं रो रही थी, मतलब किसी दौरान, ठीक है. सो ऐसी जगह पर हम वाइल का यूज़ करते हैं, ठीक है, वाइल, जिस दौरान मैं रो रही थी, तो ये सेंटेंस है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस. सो डू और मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, आई वॉज क्राइंग. सो वाइल आई वॉज क्राइंग, जब मैं, जिस दौरान मैं रो रही थी, जब मैं रो रही थी, तो यहाँ पे वैन का यूज़ एक सही नहीं बनेगा. सो वाइल का यूज़ आ गया मतलब रोते हुए, ठीक है, रोते हुए, वो वाला सेंस आ गया, ठीक है. सो रोते हुए के लिए भी क्या लगूंगा, वाइल, वाइल क्राइंग, वाइल वीपिंग, ठीक, इस तरीके से. सो वाइल आई वॉज वीपिंग, जब मैं रो रही थी, तो मैं ऐसी थी. अभी मैंने बताया हुआ है कि आई वॉज लाइक, आई एम लाइक, इस तरीके की चीज़ें आपने इंग्लिश में बहुत सुनी होंगी, तो इनका कुछ वैसा कोई सेंस नहीं होता है. बस यही जैसे हिंदी में बोलते ना, भाई मैं ऐसा था कि क्या हो गया, तो जब मैंने बोला मैं ऐसा था कि, इंग्लिश में भी बोलते ना आई वॉज लाइक, ठीक है, ये हुआ वो हुआ, ठीक. सो दिस हैपन, दैट हैपन, अब ये हैपन में डिड छुपा हुआ है, दिस डिड हैपन, ये हुआ था, पास्ट इंडेफिनिट है, और डिड छुपा हैपन में पैसिव, ओ सॉरी, डिड छुपा हैपन में, और वो हैपन बन गया, सेकंड फॉर्म बन गई. सो दिस हैपन, दैट हैपन, ये हुआ वो हुआ. बाहरी होने का फ़ायदा है, बाहरी मतलब आउटसाइडर्स, ठीक है. अब ये पूरा सेंटेंस नहीं है, पूरा सेंटेंस ये है, बाहरी होने का फ़ायदा है, सबसे पहले मैं सारा श्रेय लूँगी, ठीक है. तो मतलब ये सेंटेंस कैसे बना, भारी होने का ये फायदा है, ठीक है, इस तरीके से, द बेनिफिट, फायदा ऑफ बीइंग एन आउटसाइडर, बाहरी होने का. अब ये होने वाले सेंस के लिए मैंने बताया बीइंग का यूज करते हैं हम, जैसे मैंने अभी बीइंग का यूज किया था. सो द बेनिफिट ऑफ बीइंग, बेनिफिट ऑफ बीइंग एन आउटसाइडर इज, बाहरी होने का फायदा ये है, इस तरीके से सेंटेंस बना. सबसे पहले मैं सारा श्रेय लूंगी, सबसे पहले के लिए मैंने लगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, मैं सारा श्रेय लूंगी. अब श्रेय क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है, कि भाई सारा का सारा जो काम किया इसने किया, तो सारा श्रेय इसको जाता है, तो क्रेडिट, क्रेडिट का यूज़ होता है, ठीक है. तो यहाँ पे जो सेंटेंस है, मैं सारा श्रेय लूंगी, ये सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड विल, और एक्शन क्या है यहाँ पे, लेना, टेक. अब सारा श्रेय, ऑल द क्रेडिट, क्रेडिट्स नहीं आएगा, एस नहीं आता है, क्रेडिट के अंदर श्रेय में श्रेय ही वर्ड रहता है, सारे श्रेयों को ऐसा नहीं होता है, तो क्रेडिट हमेशा क्रेडिट ही लगाएंगे, क्रेडिट्स नहीं लगाएंगे, ठीक है. सो आई विल टेक ऑल द क्रेडिट, सारा श्रेय, ठीक है, सबसे पहले मैं सारा श्रेय लूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक ऑल द क्रेडिट. तो पूरा सेंटेंस बना, भारी होने का फायदा है, सबसे पहले मैं सारा श्रेय लूंगी, द बेनिफिट ऑफ बीइंग एन आउटसाइडर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक ऑल द क्रेडिट. अब आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी. चीज़ें बहुत इसमें कॉम्प्लिकेटेड थी, थोड़ा समझने में मुझे लगता है मुश्किल रही होगी, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए. थैंक यू.